हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून गाइस। आई एम ऑडिबल? सर ओके गुड। रिज्यूम। एचटीएमएल में इमेज लेने के लिए हमें स्पेशल टैग दिया गया है जिसका नाम है IMG। उसका फुल फॉर्म है इमेज, तो हम यूज करते हैं IMG। और जैसे ही हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो उसने देखो दो एट्रीब्यूट इनबिल्ट दो एट्रीब्यूट दिए हैं। अब इन दो एट्रीब्यूट्स का काम क्या है, ये SRC का काम क्या है और ये अल्ट का काम क्या है? आप इसके ऊपर माउस लेके जाओगे वो बता देगा। देखो क्या काम है इसका। द इमेज URL दिस एट्रीब्यूट इज मैंडेटरी फॉर इमेज एलिमेंट्स ऑन ब्राउजर सपोर्टिंग। किस चीज के लिए ये बोल रहा है कि ब्राउजर को जो इमेज हमें दिखानी है उस इमेज की URL मीन्स वो इमेज हमने कहाँ रखी है। उस इमेज को हमें कौन सी इमेज को वहां दिखाना है, ब्राउजर में कौन सी इमेज को दिखाना है, उस इमेज का प्लेस यानी कि जगह वो हमें इसके अंदर शो करनी है। और ये ALT अल्ट, ये अल्ट एट्रीब्यूट क्यों दिया है? ये अल्ट एट्रीब्यूट इसलिए दिया है कि बाय डिफॉल्ट अगर कभी आपकी इमेज ना दिखे तो उसके जगह पे हमें क्या दिखाना है। गाइस समझ में आया? यस सर। गुड। तो हम सबसे पहले यहाँ पे एक इमेज लेते हैं। हमारा इमेज फोल्डर देखो पूरी तरीके से खाली है, तो हम यहाँ पे एक इमेज डाउनलोड करते हैं। सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? हेलो गाइस। सर VS कोड का स्क्रीन दिख रहा है। VS कोड का स्क्रीन दिख रहा है। एक मिनट। अभी देखो मैं यहाँ पे न्यू टैब ओपन करता हूँ। न्यू टैब ओपन अभी आपको दिख रहा है गूगल क्रोम हाँ का? सर। हाँ या तो यहाँ पे मैं कोई भी इमेजेस डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पे लेता हूँ, एप्पल का इमेज लेता हूँ। देखो यहाँ पे इमेजेस में, यहाँ पे देखो इतना अच्छा एप्पल का फोटो दिखा है। इस एप्पल को मैं सेव एस कर लेता हूँ, सेव एस इमेज। अब मुझे ये कहाँ सेव करनी है, हमारा प्रोजेक्ट कहाँ है? डी ड्राइव में, न्यू स्टूडेंट में और यहाँ पे इमेज में डाउनलोड कर लिया हूँ। अब चेक करते हैं हमारे प्रोजेक्ट्स में वो आई है या नहीं। देखो इमेजेस में चेक करो, या इमेज में आया डाउनलोड JPG। ये देखो ये JPG टैग में आया, .JPG। इसके भी बहुत सारे टैग्स होते हैं। अभी देखो मैं यहाँ पे स्लैश, अभी मेरा फोल्डर कौन सा है, इमेज का, इमेज या का इमेज। और यहाँ पे मुझे कौन सी इमेज दिखानी है, डाउनलोड JPG। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ये JPG है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, याद रखना। JPG, PNG,
इसमें इमेज के बहुत सारे और टाइप्स होते हैं। ओके, आपको कौन से इमेज के टाइप्स पता है, आप बता सकते हो? कोई बात नहीं, देखो पहले होता है जेपीजी, उसके बाद जेपीईजी, उसके बाद होता है गिफ्ट, जीआईएफ, और उसके बाद होता है पीएनजी। अभी देखो ये गिफ्ट जीआईएफ जो इमेज है वो वीडियो की तरह काम करती है। आपने बहुत सारे इसमें देखे होंगे, व्हाट्सएप पे हम भेजते हैं ना जीआईएफ टैग्स वगैरह जो हिलते रहते हैं गाइस, यस सर। या उसे कहा जाता है जीआईएफ। ओके, और जो जेपीईजी होता है ये इमेज और जेपीजी, सॉरी जेपीजी और जेपीईजी ये दोनों सेम ही काम करते हैं, बट क्वालिटीज थोड़ी सी डिफरेंट होती है। वो थोड़ा सा हाई क्वालिटी में होता है और जेपीजी ये थोड़ा सा नॉर्मल क्वालिटी में आता है, एकदम थोड़ा सा, उतना भी नहीं। और पीएनजी होता है ना, ये पीएनजी क्या करता है पता है? पीएनजी फुल्ली बैकग्राउंड इरेज होता है, या तो फिर कभी कभी वो बैकग्राउंड के साथ में भी दिखाई देता है, बट पीएनजी वाला जितने भी इमेजेस होते हैं ना वो बैकग्राउंड रिमूव करके होते हैं, जिसमें बैकग्राउंड नहीं दिखता है बट हमारी इमेज होती है, जो हमने नाम वगैरह लिखते हैं पीछे हम जो कलर देते हैं वही कलर वो दिखता है बट ये नहीं दिखता, उस इमेज का कोई बैकग्राउंड कलर नहीं होता है, वो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड कलर होता है। ओके, सिंपल भाषा में ट्रांसपेरेंट होती है। गॉट इट? किसी को कोई डाउट है इसमें? समझा सर। ओके गुड। तो अभी देखो अल्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लोगो, या हमारी लोगो की इमेज होगी। अब इसको मैं राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ। राइट क्लिक, ओपन विथ लाइव सर्वर, या ये देखो हमारी ये इमेज आ गई यहाँ पे गाइस, आपको दिख रहा हाँ सर, दिख रहा है, आ गई। है? ओके गुड। अभी यहाँ पे मैं जेपीजी लिखा है ना, तो जी निकाल देता हूँ। अभी हमारी इमेज आई क्या? नो सर। उसके साथ में कुछ तो लिख के आया है देखो। हाँ, टोगो। ये लोगो क्यों आया? क्योंकि हमने अल्ट में लोगो लिखा था। अगर यहाँ पे मैं लोगो नहीं लिखूंगा तो यहाँ पे देखो पता ही नहीं चलेगा कि वो इमेज कौन सी थी और क्यों नहीं दिख रही। समझ में आया गाइस? यस सर। या गुड। ये आया हमारा लोगो और ये हमारा इमेज। अभी इसी के साथ में हम एक जीआईएफ इमेज भी देखेंगे। यहां से डाउनलोड कर लो जीआईएफ इमेज एप्पल GIF। ये देखो ये एप्पल हिल हाई कर रहा है ना, हेलो। सर कर रहा है। तो इस एप्पल में देखते हैं हम क्या प्रॉब्लम है। हाँ, ये वाला एप्पल हम डाउनलोड कर लेते हैं, सेव एस कर लेते हैं। कहाँ करना है? प्रॉपर एसी में करना है। यहाँ पे देखो हमारा पाथ देखो क्या है, डी ड्राइव, न्यू स्टूडेंट और इमेज में। ओके, इसी में हमें डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड हो गया। अभी हम चेक करते हैं यहाँ पे हम ये पाथ को मेरे पूरे के पूरी तरीके से मैं रिमूव कर देता हूँ, फिर से पाथ टाइप करता हूँ इमेज, और हमें कौन सी लेनी है, जी वाला। या गिफी जीआईएफ। अब चेक करते हैं हमारे ब्राउजर पे वो शो हो रही है या नहीं। ये देखो शो हो रहा है,
ओके ये शो हो रहा है, बट इसका हाइट और इसका हाइट या गाइस हेलो सर, सॉरी फॉर माय नेटवर्क इशू, दैट्स व्हाई थोड़ा सा नेटवर्क में प्रॉब्लम आया था। अभी देखो यहाँ पर हाइट तो हमारे सेम थी, सेम कर लिया। अभी यहाँ पे हमें विथ एट्रीब्यूट्स भी सीखना है, तो यहाँ पे हम विथ लेते हैं, जो हमारी विथ होगी, विथ जो हमारी विथ होगी वो कितनी होगी, 500। अब देखो आपको लग रहा है ये विथ बड़ी है या नहीं? राजी भी लग रहा है वीडियो। हाँ वीडियो नहीं है, वो GIF है। हाँ वो बहुत अजीब लग रहा है। हाँ तो अभी यहाँ पे मैं अभी 200 करूंगा तो ठीक से दिखाई देगी। सर अब सही लग रहा है। या तो इसीलिए जितनी हाइट होती है उतनी ही विड्थ भी रखना जरूरी है। अगर दोनों में से कभी भी एक का भी कॉम्बिनेशन अगर गलत हुआ तो इमेज बिगड़ जाएगी। ये देखो अब कैसा लग रहा है? और बुरा लग रहा है। पहले जैसा लग रहा था वैसे ही लग रहा है। अभी ये ठीक है। इसी की तरह अभी हमें वीडियोस भी सीखना है। इसमें सिर्फ इतने ही है इमेज में। अभी इसके बाद हम लेंगे क्या, आई फ्रेम, या आई फ्रेम लिया। आई फ्रेम में देखो इनबिल्ड ही HRF आया और फ्रेम बॉर्डर आया। फ्रेम बॉर्डर में यहाँ पे 1 लेता हूँ और ये 2 लेता हूँ, और यहाँ पे उस फ्रेम की विथ, आई फ्रेम की विथ लेना है मुझे। जो विथ होगी वो 100 या फिर 9024 होगी,
अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ पे मुझे वीडियो चलाना है, तो यहाँ पे मैंने कहा, यहाँ पे कहीं पे मैंने वीडियोस डाउनलोड किए है क्या? नहीं, बट मुझे वीडियो डाउनलोड करना है, तो उसके लिए हम अभी यहाँ पे आते हैं। किसी को वीडियोस डाउनलोड करने के लिए पता है कोई साइट जहाँ से आसानी से वीडियो डाउनलोड हो सकते हैं? हेलो, कोई साइट नहीं पता, तो हम चेक करते हैं वीडियो। या यूट्यूब से ही लेते हैं ना कोई भी वीडियो। तो यहाँ पे हम जाते हैं और वीडियो लेते हैं। या पुष्पा मूवी का अच्छा खासा है। ओके, इस पुष्पा मूवी को ये लेते हैं वीडियो, तो इसको यहां से इस लिंक को कॉपी कर लो और हमारे इस एसआरसी में पेस्ट कर दो। ये एसआरसी देखो, यहाँ पे भी सेम एसआरसी है, यहाँ पे भी सेम एसआरसी है, बट काम देखो दोनों का। अब यहाँ आए हम हमारे इमेज टैग में, देखो यहाँ पे फ्रेम तो दिख रहा है, यहाँ पे आपको फ्रेम दिख रहा है बट वीडियो नहीं दिख रहा है। गाइस सर, हाँ यहाँ पे आपको फ्रेम तो दिख रहा है बट वीडियो नहीं दिख रहा है, तो इस पोजीशन में क्या करना होता है? सिंपली देखो यहाँ पे यूट्यूब ने क्या कहा है कि आप अगर हमारी साइट्स के वीडियो अपने ब्लॉग्स में दिखाना चाहते हो तो आपको हमारे यहाँ से वो लेना होगा। तो उसके लिए शेयर ऑप्शंस, शेयर ऑप्शंस में देखो, यहाँ पे देखो यूट्यूब पे आया और यूट्यूब पे शेयर ऑप्शन है, शेयर ऑप्शंस में क्या है? एम्बेड। एम्बेड, ओके, इस एम्बेड पे क्लिक करना है और जो हमारा यहाँ पर राइट साइड में दिख रहा है देखो कॉपी बटन, हाँ सर, इस बटन को कॉपी करना है और हमारे यहाँ पे पेस्ट कर देना है। सिंपली हम जहाँ पे ये वीडियो दिखाना चाहते हैं, कंट्रोल पेस्ट। अब देखो हमारे साइट पे आते हैं, यहाँ पे देखो ये क्या बोल रहा है, भाई ऐसे क्यों? खाली ये वीडियो नहीं दिखाना चाहते, कोई बात नहीं, नहीं दिखाना चाहते तो कोई बात नहीं, हमारे पास डाउनलोड किया हुआ एक वीडियो है, हम उसको आपको दिखा देते हैं इम्प्लीमेंट करके। हमें इनका, या इनका हमें कुछ नहीं चाहिए, यहाँ से ये अलाव है, इसको हटा देते हैं, यहाँ पे ये ऑटो यहाँ पे आई फ्रेम तक हटा देते हैं, ओके। और ये जो हमारी लिंक है, इस लिंक को हम चेंज कर देते हैं बैकस्पेस, और जो मैंने डाउनलोड में, आप अभी एक मिनट, यहाँ पे कोई मेरा फोल्डर शेयर है क्या? नहीं, एक मिनट गाइस, मैं मेरा फोल्डर शेयर करता हूँ आप लोगों को, दिखाता हूँ। आप सबको मेरा फोल्डर दिख रहा है, फोल्डर शेयर गाइस? हाँ सर। यहाँ पे देखो मैंने डाउनलोड में एक वीडियोस डाउनलोड करके रखा है, ये आपको दिख रहा है ये वीडियो? हाँ। इस वीडियो को हम मूव कर देते हैं हमारे इमेज फोल्डर में,
यहाँ पे देखो वीडियो में आया है फ्लेक्स वीडियो, यहाँ पे प्ले नहीं होगा हो इसलिए क्लोज कर दिया। अब मुझे इमेज जैसे हमने वहां पे पाथ लिया था वैसे ही पाथ लेना है, और अब हमें यहाँ पे दिखाना है क्या है? वीडियो दिखाना है, तो वीडियोस को हमने शो कर दिया। अब हमारे यहाँ पे आते हैं ब्राउजर पे, ब्राउजर पे आके हम हमारा वीडियो चेक करते हैं। यहाँ पे देखो वीडियो चालू हो गया बट आवाज नहीं आएगा, ये म्यूटेड वीडियो है। ओके गाइस, हाँ अभी सर, देखो मैं यहाँ पे हमने, सोयाबीन हेलो, क्या बोल रहे हो? सोयाबीन माल बगून 7,166। अब्रार, अब्रार म्यूट योर सेल्फ। ओके अब देखो ये टाइटल वगैरह भी मैं निकाल देता हूँ, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। ये टाइटल हम क्या दिखाना चाहते हैं वो हम पे डिपेंड है। ओके अब देखो यहाँ पे मैं कौन से एट्रीब्यूट्स लगाता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ म्यूटेड म्यूटेड क्यों नहीं आ रहा भाई? एक मिनट गाइस,
या गाइस आई फ्रेम में डायरेक्टली प्ले होगा, फ्रेम में वीडियो प्ले होगा। यहाँ पे एक और जगह होता है HTML का वीडियोस लेने के लिए, जिसका नाम है वीडियो। ओके, वीडियो में SRC में हम इमेज लेंगे, इमेज में पिक्सल्स, और यहाँ पे उसकी हाइट और विथ डिफाइन करेंगे। एच उसका होगा या 200 पिक्सल्स, और विथ उसका होगा 400 पिक्सल, सॉरी 400 पिक्सल। यहाँ पे देखो ये आ गया है, यहाँ पे एक मिनट आई फ्रेम में बंद कर देता हूँ, जिस वजह से हमें समझ में आ जाएगा। या आई फ्रेम बंद, ये देखो यहाँ पे ये है, बट ये चल नहीं रही है, तो अब मैं यहाँ पे लेता हूँ। ऑटो प्ले एट्रीब्यूट, अब देखो ऑटो प्ले हो गया। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। हाँ मेरा नेटवर्क इशू है उस वजह से। यहाँ पे देखो ये ऑटो प्ले हो गया। ओके, अब यहाँ पे मैं एक और टैग है म्यूटेड। ओके, यहाँ पे म्यूटेड भी ले सकता हूँ। यहाँ पे देखो म्यूटेड हो गया। अगर मुझे सारे फंक्शन चाहिए प्ले पॉश, तो यहाँ से मैं ले सकता हूँ। यहाँ पे अभी म्यूटेड तो हमने देख लिया। अब यहाँ पे और एक है प्रीलोड। एक मिनट, यहाँ पे प्रीलोड या प्रीलोड, ये इसमें कोई वैल्यूज नहीं आएगी। या प्रीलोड डालने के बाद यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, एज इट इज स्टॉपेड है। हेलो गाइस, आप सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? हाँ सर स्क्रीन दिख रही है। इस तरीके से होगा वो, और आई फ्रेम में ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिखाते हैं। कुछ पायरेसी के लिए वीडियो ब्लॉक किया जाता है, बाकी के वीडियोस दिखते हैं। ऑटो प्ले यहाँ पे लूप भी है, बार 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 इतना ही वीडियोस बार 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 प्ले होते रहेगा। हेलो सर आपका आवाज बहुत ब्रेक हो रहा है।
एक मिनट हाँ गाइस, हेलो गाइस, मेरा आवाज अभी क्लियर आ रहा है? हाँ सर अभी देखो दोनों भी सेम ही वीडियो चल रहा है, रिफ्रेश कर रहा हूँ, दोनों भी एक साथ में ही चलेंगे। भाई ऐसे क्यों हो रहा? यहाँ पे ऑटो प्ले भी है ना, हाँ तो लूप भी लगाया है। अभी देखो दोनों साथ में चल रहे हैं। इस तरीके से ये ऑटो प्ले होता रहेगा। अब मुझे सारे कंट्रोल चाहिए तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कंट्रोल्स मेन्यू, कंट्रोल्स। अब देखो सारे के सारे ए टू जेड जैसे हमारे पास कंट्रोल चाहिए ना, सारे के सारे कंट्रोल आ गए। पॉज कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे है पॉज प्ले, वैसे यहाँ पे स्क्रीन फुल भी कर सकते हैं, स्क्रीन डाउन भी कर सकते हैं। इस तरीके से म्यूटेड ऑटोमेटिकली म्यूटेड होता है। यहाँ पे भी देखो हम अगर म्यूटेड रखना चाहते हैं तो म्यूटेड। एक मिनट गाइस, इसके एमबी यहाँ पे, या ये वीडियो ही ऑटोमेटिकली म्यूटेड है। इस तरीके से हम एज इट इज हम ऑडियो भी ले सकते हैं। नीचे है ऑडियो, ऑडियो टैग में हमें SRC लेना है, और यहाँ पे भी वही सब जो वीडियो में हमने अप्लाई किए थे वही सब इसमें भी अप्लाई होंगे। लूप्स, कंट्रोल्स, सारे के सारे कंट्रोल्स वहाँ पे शो करेंगे। बट हमारे पास MP3 कोई ऑडियो नहीं है फिलहाल के लिए, तो ऑडियो नहीं है, तो भी मैं ऑडियो देखता हूँ कोई होगा तो। MP3 नेचुरल ऑडियो, सॉरी गाइस, नेचुरल हो गया, नेचर चाहिए था मुझे। व्हाट हैपन नेचर ऑडियो, नहीं तो फिर सॉन्ग्स ले लेते हैं। यहाँ पे गाना, देखते हैं अगर यहाँ से डाउनलोड हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर हम ऑनलाइन SRC लिखेंगे।
हेलो। हाँ सर। यस कोई मुझे साइट बताओ ना जिससे हम MP3 वीडियोस वगैरह MP3 ऑडियो डाउनलोड कर सकते हैं। किसी को कोई साइट पता है क्या? pagalworld.com। यहाँ से होगा या नहीं पता नहीं, चेक करते हैं, मे बी होना तो चाहिए। या ये यह है, यहाँ पे राइट क्लिक करके डाउनलोड कर लो। हो गया डाउनलोड। अब डाउनलोड फोल्डर में जाके चेक करो भाई साहब, वो आया है या नहीं। मुझे तो दिखा नहीं, या आ गया। इसको हम हमारे इमेज वाले फोल्डर में ले लेते हैं इस तरीके से। आ गया, देखो हमारा ऑडियोज भी आ गया। ओके, तो इसको स्लैश इमेज, और हमें कौन क्या चाहिए? ऑडियो चाहिए ना, तो यहाँ पे ऑडियो। अब चेक करते हैं हमारे साइट पे जाके, या यहाँ पे कहीं पे हमारा ऑडियो दिख रहा है गाइस आपको? नहीं नहीं सर। क्यों नहीं दिख रहा है? या हाइट, यहाँ पे अपनी हाइट कंट्रोल्स अभी दिखेगा। देखो यहाँ पे अब इस कंट्रोल हाँ सर। दिख रहा है, दिख रहा है दिख रहा है, सर। कंट्रोल्स टाइप करने पे यहाँ आ गया। यहाँ पे देखो सारे कंट्रोल्स मुझे दिखाई दिए। ओके, अब मैं इस पे प्ले करूंगा, तो देखो प्ले हुआ क्या? हेलो, हाँ सर, लेकिन हमें आवाज नहीं आ रही है ना। प्ले पॉज दिख रहा है बटन, और ऑडियो का भी। या बट ये प्ले हो रहा है, ये प्ले हो रहा है। यहाँ पे देखो हम इसको मूवेबल भी कर सकते हैं, जहां तक हमें चाहिए वहां तक। अगर हमें प्ले के बीच में अगर म्यूट चाहिए होगा तो ये म्यूट भी हो जाएगा, म्यूट भी हो गया। और ये डाउनलोड चाहिए तो डाउनलोड भी आएगा, ये पूरा का पूरा मेन्यू यहाँ पे दिख जाएगा। ओके गाइस, हेलो, ओके किसी को कोई डाउट है इसमें? सर। नहीं सर। ये ऑडियो वीडियोस हम कैसे डाउन कैसे ले सकते हैं? अगर हम इसको चाहे तो इसको म्यूटेड भी रख सकते हैं। जैसे ये प्ले होगा तो म्यूटेड ही होगा। देखो अभी गाना कोई भी नहीं बज रहा है, बाय डिफॉल्ट ये म्यूटेड है। इसको अगर हम अनम्यूट करेंगे यहाँ से तो अनम्यूट हो जाएगा। जो हम इस पे लिखते हैं ना, वही सारे इस पे भी अप्लाई होते हैं। यहाँ पे देखो ऑटो प्ले, ऑटो प्ले लिखूंगा तो यहाँ पे देखो जैसे लोड होगा वैसे ही यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली प्ले हो रहा है। मैंने यहाँ पे प्ले किया है क्या गाइस? नहीं, नहीं सर। ये ऑटोमेटिकली वहां पे प्ले हो रहा है। अगर मैं ये ऑटो प्ले हटा दूँ तो वहां पे वो प्ले नहीं होगा, पॉज होके पॉज होगा। जब हम प्ले करेंगे तभी प्ले होगा, लाइक दिस वीडियो। ओके, अभी किसी को कोई सवाल पूछना है इसके रिलेटेड तो पूछो, मैं बता दूंगा। अबरार आपको समझा? ऑडियो सर एक बार ऑडियो वाला फिर से समझाइए। वाला में कोई भी ज्यादा प्रेशर नहीं है। जैसे हमने वीडियोस का लिया था ना वैसे ही ऑडियो का भी है, बट यहाँ पे सिर्फ हमें क्या करना है,
हमारे जो कंट्रोल्स है, ये देखो विदाउट कंट्रोल हमारा ऑडियो दिखेगा नहीं, क्योंकि उसमें कोई विजुअल तो है नहीं जो दिखेंगे। गाइस समझ में आ रहा है? हाँ सर। उसमें विजुअल्स नहीं होने की वजह से वो हाइड हो रहा है। अभी मैं यहाँ पे उसको कंट्रोल शो कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कंट्रोल शो करूंगा तो सारे के सारे कंट्रोल्स आ जाएंगे और वो कंट्रोल्स की वजह से दिख भी जाएगा। ओके, और ये गाने प्ले भी होते हैं, ऐसे नहीं कि प्ले नहीं होते हैं। आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा बट मैं सुन रहा हूँ, प्ले भी होते हैं। और यहाँ पे जो सेम कंट्रोल्स है, ऑटो प्ले, म्यूटेड, लूप, अगर लगाना चाहो तो यहाँ पे लूप भी लगा सकते हो। लूप मीन्स ये रिपीट रिपीट प्ले होते रहेगा। ओके गाइस, और ये लेने के लिए कुछ नहीं, हमने हमें सिर्फ सॉन्ग्स डाउनलोड करना है और जिस फाइल में हमने डाउनलोड करके रखे हैं सॉन्ग्स, उस फाइल की लिंक यहाँ पे देनी है जो सॉन्ग्स को हमें प्ले करना है। ओके, लाइक एज वीडियो। अभी हम यूट्यूब का देखते हैं कुछ मिलेगा तो। गाइस किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें? नहीं सर। नो सर। ओके गुड, यहाँ पे हम यूट्यूब पे जाते हैं। सर यूट्यूब का शायद उसे हमें एकदम अपने इसमें डाउनलोड करना पड़ेगा फाइल में, तो वो शो करेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। वैसे नहीं होगा हूँ, फिलहाल के लिए मुझे स्नेक्स वगैरह अच्छे लगते हैं, जानवर बेचारे शरीफ होते हैं, इंसानों को कुछ नहीं करते तो भी इंसान उनको मारते हैं। या इसको कॉपी कर लो, इसको कॉपी कर लो और हमारे वीडियो में कहाँ पे, या यहाँ पे पेस्ट करने की कोशिश करो, अगर आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। ओके चेक करो, यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं वो, वीडियो रिफ्यूज। ओके इस वीडियो को हम नहीं दिखा सकते, ऐसे क्यों भाई, एम्बेडेड रखो, स्टार्ट एट, कॉपी। ओके आई फ्रेम में, और यहाँ पे आके हम इस इमेज के बाद इसको रखते हैं, देखते हैं क्या होता है। या सेम इश्यू यहाँ पे भी दे रहा है वो, गाइस नहीं होगा। यूट्यूब का वीडियो का डिस्प्ले दिख रहा है। यूट्यूब का वीडियो का डिस्प्ले दिख रहा है, हाँ डिस्प्ले दिख रहा है बट वीडियो नहीं दिख रहा है ना, तो वीडियोस के लिंक्स में कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है, या वीडियोस के लिंक्स में कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है। इस ऐड को स्किप स्किप कर देते हैं, हमारे पास बहुत सारे फ्रंट एंड वाले जुगाड़ू होते हैं, कोई ना कोई कभी ना कोई ना कोई जुगाड़ निकाल ही लेते हैं। कॉपी यूआरएल, और इस यूआरएल को यहाँ पे पेस्ट कर दो और अब चेक करो हमारे साइट्स में, यहाँ पे भी नहीं। नहीं आ रहा है गाइस, ये YouTube वीडियो का हम कल देखेंगे, अब इतना प्रैक्टिस कर लो। ओके हेलो। ओके सर। ओके सर। किसी को कोई डाउट है इसमें? अबरार आपको कोई डाउट? हेलो अबरार। नो डाउट सर। ओके कोमल तुम्हारा क्या डाउट है?
नहीं सर। ओके गुड। आरती आपको कुछ डाउट है? सर, आज का सब्जेक्ट लिया था। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग ऑल ऑफ यू गाइस। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके।